यूपीएससी 10 अक्टूबर 2021 को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 आयोजित करेगा। हर साल यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए 10 लाख से अधिक उम्मीदवार पंजीकरण कराते हैं, जिसमें से लगभग 10,000 उम्मीदवार मुख्य के लिए योग्य होते हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा थोड़ी कठिन होती है, लेकिन आप टाइम मैनेजमेंट, स्टडी प्लान और पूरा ध्यान लगाकर यूपीएससी की तैयारी कर ले तो आप यूपीएससी आईएएस की परीक्षा में टॉप कर सकते हैं। अभी कोरोना वायरस महामारी के कारण सभी संस्थान ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। सरकारी नौकरी में यूपीएससी की नौकरी को सबसे बेस्ट माना जाता है। ऐसे में अगर आप भी आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं तो हम आपको बताएंगे कि 12वीं के बाद यूपीएससी आईएएस की तैयारी घर पर बैठे कैसे करें। हमारी कई सारी वीडियोस के कमेंट्स को हमने एनालाइज किया और यह पाया कि आप में से कई सारे एस्पिरेंट्स यह जानने के लिए बहुत इच्छुक हैं कि घर पर ही सिविल सेवक की परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो आज हम केवल और केवल आपके लिए यह वीडियो लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। यूपीएससी डेटा रिकॉर्ड्स के अनुसार यूपीएससी पास करने वाले कैंडिडेट्स की उम्र 22 साल से 28 साल की होती है। ऐसे में अगर आप 10वीं के बाद यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो यह बहुत जल्दी होगा। आपको 12वीं के बाद यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। जब आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आए तब आप यूपीएससी की तैयारी करने के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। हमारी सबसे पहला सजेशन आपके लिए यही है कि आप सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा की चेकलिस्ट बनाएं। आप उनका सिलेबस यूपीएससी की वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हैं और upsc.gov.in से उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 सिलेबस को आप अपना चेकलिस्ट के अनुसार हल करते रहें। एक बार जब आप किसी विषय को कवर करते हैं तो उसे शॉर्ट पॉइंट्स में नोट डाउन करें। इसे हर विषय के लिए एक अभ्यास जरूर बना लें। इसके अलावा आपको पाठ्यक्रम को बड़े पैमाने पर कवर करना चाहिए और हर विषय की पूरी तरह से हल भी करना चाहिए। यूपीएससी में आने वाले सभी टॉपिक्स को आप समझ लें, यानी उसका पैटर्न क्या है, इन सभी को समझें। ऐसे में आपको करंट अफेयर्स की जानकारी होना अति आवश्यक है क्योंकि करंट अफेयर्स यूपीएससी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए प्रत्येक उम्मीदवार को प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। आपकी जरूरी बातों पर ध्यान देने की आदत भी बनानी चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखें कि सिविल सेवा की परीक्षा में अधिकतर प्रश्न करंट अफेयर्स के ही पूछे जाते हैं। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र के साथ अभ्यास करें। जब आप पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों के साथ अभ्यास करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किन विषयों को गहराई से कवर किया जाना चाहिए। आपको कम महत्वपूर्ण विषयों के बारे में भी पता चल जाएगा। पेपर पैटर्न को समझने के लिए पिछले पेपर्स के कम से कम 10 सवाल तो रोज हल करें। इससे आपको अपने समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड अपने कौशल को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। खुद बनाएं, यानी अपने नोट्स को खुद बनाएं। यह बेहद ही जरूरी है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके लिए आप खुद के लिए नोट्स बनाएं। इसके दो अहम कारण हैं। पहला तो ये कि आपको एग्जाम के समय ज्यादा पढ़ाई करने में समय नहीं लगेगा और आपका समय भी बचेगा। साथ ही जब आप खुद के पढ़े सब्जेक्ट्स को नोट डाउन कर लेंगे तो यह आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। इसी के साथ हमें प्रैक्टिस की भी काफी जरूरत है। यह तो शायद एक ऐसा पॉइंट है जिसे मुझे नहीं लगता कि एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि हम बचपन से ही कोई भी एग्जाम के लिए जितनी बार रिवाइज करते हैं उतने अच्छे हमारे अंक आते हैं, जो कि हमेशा नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में लेकर हमें अपना जवाब लिखना चाहिए। उम्मीदवारों को ध्यान में रखना चाहिए कि यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के 1/3 पॉइंट्स को माइनस कर दिया जाता है, यानी नेगेटिव मार्किंग की जाती है। प्रारंभिक परीक्षा एलिमिनेशन की परीक्षा है। यदि आप अपने नकारात्मक अंकों की सीमित नहीं करते तो आपको प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। आपको गलत उत्तरों को चिन्हित नहीं करने पर ध्यान देना चाहिए। मॉक टेस्ट को हल करने से आपको काफी अपने नकारात्मक अंकों को सीमित करने में काफी मदद भी मिलेगी। इन सभी से जरूरी है कि आप अच्छी किताबों को पढ़ें। तो प्रभात प्रकाशन लेकर आया है आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें। अगर आप भी यूपीएससी या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन की किताबें ऑल अबाउट यूपीएससी एग्जाम, मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन वेलफेयर स्कीम, 60 सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर्स
की प्रेरक कहानियाँ, ऐसे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज लैंडमार्क जजमेंट्स, यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर 1 और 2, सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स और मनीष रंजन की कई सारी किताबें जो आपको आपके एग्जाम में अपने उत्तर को बेहतर करने में काफी सहायता देंगी। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए प्रभात एग्जाम के साथ। नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।